सब्सक्राइब कीजिए विंग्स टुवर्ड्स टेक्नोलॉजी यूट्यूब चैनल को और प्रेस कीजिए इस बेल आइकन को टेक से रिलेटेड अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। वेलकम गाइस, जैसा कि आप जानते हैं कि आज Xiaomi ने कुछ ही देर पहले अपने लॉन्चिंग इवेंट के अंदर लॉन्च कर दिए अपना पहला लैपटॉप इंडिया के अंदर, जो है मी नोटबुक 14 और साथ में मी नोटबुक 14 ओरिजिन एडिशन। उसी के स्पेसिफिकेशंस के बारे में, फीचर्स के बारे में, क्या मिलने वाला है, प्राइसिंग कैसे हैं और कब से ये अवेलेबल होगा, हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि आप सारी डिटेल्स देख पाएँ और सबसे पहले आप इसको कहाँ से बाय कर पाएंगे ये भी हमने इसमें इंक्लूडेड किया है। तो अंत तक वीडियो को जो देखिएगा, ज़्यादा समय के बाद ये वीडियो पसंद आए इसको लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा आगे भी अपडेट्स पाने के लिए। तो दोस्तों, मेरा नाम है पुनीत शर्मा और आप देख रहे हैं विंग्स टुवर्ड्स टेक्नोलॉजी, स्टे अपडेटेड फ्रॉम टेक। तो दोस्तों, बात करते हैं सबसे पहले, जो सबसे पहले फीचर आ रहा है इसके वेट के बारे में। तो ये आपको अल्ट्रा लाइट बॉडी के साथ मिलने वाला है एमआई नोटबुक 14 और 14 होराइजन एडिशन। इसका जो वेट है जस्ट है 1.35 kg का और इसका साइज एक A4 पेपर से थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा है। इस कारण इसको कॉम्पैक्ट है काफ़ी ज़्यादा और कहीं भी हम इसको कैरी करके इजीली ले जा सकते हैं। इसके अंदर जो मटेरियल यूज हुआ है वो भी काफ़ी ड्यूरेबल और स्क्रैच रेजिस्टेंट है, क्योंकि ये है A5052 मैग्नीशियम एल्युमिनियम एलॉय, जो बेसिकली स्पेस क्राफ्ट के अंदर यूज होता है, इसलिए काफ़ी ज़्यादा ड्यूरेबल होने वाला है और काफ़ी टाइम तक चल सकता है। यहाँ तक कि कंपनी ने कहा है अगर अच्छी सर्कमस्टेंस में इसको यूज़ किया जाए तो ये 5 years तक भी आपको परफॉर्मेंस एकदम बेस्ट दे सकता है बिना किसी प्रॉब्लम के। जो कलर आज लिस्ट किया गया था वो है मर्क्यूरी ग्रे कलर, जो काफ़ी एक अच्छा कलर है और नया कलर Xiaomi की तरफ से निकाला गया। बात करते हैं डिस्प्ले की, इसके अंदर इंक्लूडेड है एक 14 inch का FSD डिस्प्ले जो बेजललेस है। उसमें जो बेजल्स है काफ़ी ज़्यादा कम है, बॉर्डर्स काफ़ी ज़्यादा कम है, इसके लिए आपको 14 inch का एक डिस्प्ले मिल पा रहा है एक कम साइज़ के लैपटॉप के अंदर। उसके बात करते हैं जो 91% जो एरिया है टोटल स्क्रीन का, वो स्क्रीन यानी डिस्प्ले कवर अप कर रहा है, इस कारण काफ़ी बड़ी स्क्रीन है और काफ़ी सुंदर इसका लुक भी बन जाता है। बात करते हैं नेक्स्ट, इसके अंदर आपको एंटी ग्लेयर मिल रहा है, मतलब कि अगर आप इसको डायरेक्ट सनलाइट के अंदर भी यूज़ करते हैं तो भी उसके अंदर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है रिफ्लेक्शन की, आप अपना इजीली वर्क कहीं भी बैठ के कर सकते हैं। ये होराइजन डिस्प्ले है खास तरीके का, जो होराइजन मॉडल है उसके अंदर आपको मिल जाता है ये एंटी ग्लेयर डिस्प्ले। और साथ में जो स्क्रीन है वो है 16:9 की 1920x180 की, और इसके अंदर जो खास फीचर आपको मिलता है वो एक 178° का व्यू एंगल, मतलब 178° तक आप कहीं भी बैठ के इसकी स्क्रीन को देख सकते हैं, स्क्रीन में कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे, आप क्लियरली इसको वॉच कर सकते हैं काफ़ी बड़े एरिया में बैठ के। तो बात करते हैं, तो इसके अंदर जो आपको स्पेशली मशीन प्रिंटेड की मिल जाती है, इसलिए की के ऊपर के जो करेक्टर्स हैं वो बिल्कुल भी छूटते नहीं हैं और काफ़ी लंबे टाइम तक आपको अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं, अच्छा लुक देते हैं। बात करते हैं इसमें जो खास तरह का सीजर कीबोर्ड यूज़ करने वाला है, जो नॉर्मल कीबोर्ड के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा ड्यूरेबल है और ज़्यादा वर्किंग है। इसके अंदर आपको एक 11 cm का बड़ा ट्रैक पैड मिल जाता है, जिससे आप इजीली अपने कर्सर को कंट्रोल कर सकते हैं और भी कई सारे ऑपरेशंस को कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अंदर आपको स्टीरियो स्पीकर मिल जाता है DTS ऑडियो के साथ, जो इसकी ऑडियो को स्टीरियो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ कर देता है, काफ़ी अच्छी ऑडियो इसकी बना देता है। नेक्स्ट बात करते हैं कनेक्टिविटी की, तो कनेक्टिविटी में इसमें आपको एक USB टाइप सी का पोर्ट मिल जाता है, USB 3.1 के 2 jack मिल जाते हैं, इसके अलावा USB 2.0 का 1 jack मिल जाता है, HDMI 1.4B मिल जाता है और साथ में इसमें आपको 3.mm का जैक भी मिल जाता है हेडफोन का, और जिसमें आप हेडफोन और माइक दोनों एक ही जैक के अंदर इंक्लूडेड है, तो आप इजीली जो 1 point वाले हेडफोन है उसको इसमें यूज़ कर सकते हैं माइक के साथ। प्रोसेसर की बात करें, प्रोसेसर के मामले में रेवोल्यूशन है, अब तक जितने भी फ्लैगशिप लैपटॉप आए हैं इंडिया के अंदर, बाहर भी बात करें तो उनमें काफ़ी अच्छा और खरा उतरा है, क्योंकि CPU के मामले में, GPU के मामले में एक टोटली लेटेस्ट है। बात करते हैं CPU की, तो इसको आप इसके अंदर आपको एकदम लेटेस्ट इंटेल का 10th gen प्रोसेसर मिल जाता है। ये 2 variants में है, i7 और i5। i7 में कुछ और आपको खास फीचर्स भी मिल जाते हैं, जो है 4.9 GHz। 4.9 GHz के कारण इसके अंदर आपको टर्बो स्पीड मिल जाती है, टर्बो बूस्ट मिल जाता है इंटेल का, जो कि परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा कर देता है। साथ में इसको है आपको इंटेल की लेटेस्ट हाइपर थ्रेडिंग मिलती है, जो 4 cores और 8 threads से कनेक्ट होकर चलती है, जिसके कारण जो आपकी परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस हो जाती है। बात करते हैं रैम की, इसके अंदर आपको 8 GB रैम मिल जाती है DDR4, उसमें 2660 जो MHz है उसकी रैम आपको मिल जाती है, जिसके कारण इसकी परफॉर्मेंस है काफ़ी अच्छी हो जाती है। स्टोरेज अल्ट्रा फास्ट है इसका, SSD स्टोरेज है 512 GB का, जिसके कारण कंपनी क्लेम करती है इसकी परफॉर्मेंस किसी 1 TB नॉर्मल हार्ड ड्राइव की जो स्टोरेज है उससे भी काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दे सकती है लैपटॉप से। इनफैक्ट जो वीडियो है उसके अंदर भी कई सारी कंपनियों के साथ कंपैरिजन भी दिखाया गया है। दोस्तों बात करते हैं पहले GPU के बारे में, तो एक पहला लैपटॉप है इंडिया के अंदर जिसके अंदर आपको NVIDIA का GeForce MX350 GPU मिल जाता है,
जो काफ़ी ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस आपको प्रोवाइड करता है। इनफैक्ट अगर गेमिंग की बात करें तो ये पहला डिवाइस है जिसके अंदर आपको ये वाला GPU मिलता है, और साथ में इसमें GTA 5 में आपको 40 प्लस तक FPS, और अगर बात करें हम फोर्टनाइट की तो फोर्टनाइट में 70 प्लस तक FPS दे देता है, जो गेमिंग को काफ़ी ज़्यादा फास्ट और एफिशिएंट बना देता है। बात करते हैं इसकी हीटिंग की प्रॉब्लम को लेके, हीटिंग की कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं होगी। स्पेशली इसी के लिए एक लार्जर स्पेस रखा गया है कूलिंग के लिए, जिसके कारण जो आपका लैपटॉप है टाइम टू टाइम कूल होता रहेगा फैन की मदद से, और हीटिंग का कोई भी इश्यू आपको गेमिंग के बीच में भी नहीं मिलने को मिलेगा जैसे कि हमें पुराने पीसीज के अंदर मिलता था। बात करते हैं इसकी बैटरी लाइफ के बारे में, बैटरी लाइफ बहुत अच्छी है, एक बार चार्ज करके 10 आवर्स तक वर्क कर सकता है। इसके साथ आपको एक 65 वॉट का चार्जर मिल जाता है जिसके यूज़ से आप जस्ट 35 मिनट्स में 50% तक लैपटॉप को चार्ज कर सकते हैं, जो काफ़ी ज़्यादा तेज है अगर बात करें एक लैपटॉप के मामले में। उसके अंदर आपको विंडोज 10 होम एडिशन मिल जाता है, साथ में आपको ऑफिस 360 मिल जाता है 1 मंथ के फ्री ट्रायल के साथ। इसमें MI स्मार्ट सेल आपको मिल जाता है जिसके हम अब इजीली अपने फ़ोन से PC तक जो फाइल्स हैं उनको ट्रांसफ़र कर सकते हैं, और साथ में मी ब्लेज अनलॉक मिल जाता है जिससे आप अपने मी बैंड को यूज़ करके बहुत ही जल्दी 1.5 सेकंड के अंदर जैसे ही आप उनके पास पहुंचेंगे PC के वैसे ही PC को अनलॉक कर सकते हैं। तो दोस्तों फाइनली बात करते हैं वेरिएंट्स के बारे में, कौन कौन से आपको वेरिएंट्स मिलने वाले हैं मी नोटबुक 14 के अंदर, उसके अंदर क्या क्या चेंजेस है, उसके बाद हम बात करेंगे मी नोटबुक 14 होराइजन एडिशन के वेरिएंट्स के बारे में। तो सबसे पहले मी नोटबुक 14 के वेरिएंट्स के बारे में बात करते हैं। जो पहला वेरिएंट है उसके अंदर आपको बेसिकली मिल रही है 256 GB इंटरनल स्टोरेज, 10th जनरेशन का इंटेल कोर i5 आपको मिल जाता है इसके अंदर, इंटेल की USD ग्राफिक्स 620 आपको मिल जाते हैं, इसके अंदर आपको मिल जाती है 8 GB की DDR4 रैम, और साथ में MI का वेबकैम HD इसके अंदर बंडल आपको मिलता है जिसकी कॉस्ट होने वाली है लगभग 41,999 की। बात करते हैं नेक्स्ट 10th जनरेशन इंटेल कोर मिल जाता है नेक्स्ट वेरिएंट के अंदर आपको, i5 प्रोसेसर, इंटेल के UHD ग्राफिक्स मिल जाते हैं 620, इसके अलावा 512 GB आपको इसमें SATA SSD रैम मिल जाती है, SATA SSD रैम मिल जाती है, 8 GB की DDR4 रैम मिल जाती है, उसके अलावा आपको इसमें भी मी का वेबकैम HD बंडल मिल जाता है, और इसकी कॉस्ट होने वाली है 44,999 की सिर्फ इसमें स्टोरेज का चेंजेस है। बात करते हैं हम अंतिम में जो आपका i5 में ही होने वाला है नोटबुक का, वो होगा 10th जनरेशन इंटेल कोर i5 में, NVIDIA का GeForce आपको इसमें मिल जाता है MX250 जो काफ़ी अच्छा प्रोसेसर है गेमिंग के लिए, ये जो वेरिएंट है काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, 512 GB की SATA SSD रैम मिल जाती है, 8 GB की DDR4 रैम मिल जाती है, और साथ में बात करें तो MI का वेबकैम इसमें भी आपको मिल जाता है, और जो इसकी कॉस्ट होने वाली है वो होने वाली है 47,999 की। तो सारे के सारे बात करें लैपटॉप काफ़ी अच्छी प्राइस रेंज के अंदर आ जाते हैं अगर कंपेयर किया जाए बाकी सारे जो लैपटॉप्स हैं उनके अंदर। तो दोस्तों बात करते हैं अब मी नोटबुक 14 होराइजन एडिशन की जो वेरिएंट्स मिल रहे हैं आपको, इसके अंदर 2 वेरिएंट्स मिल रहे हैं, उसके अंदर आपको क्या क्या मिल जाते हैं। तो बात करते हैं फर्स्ट वेरिएंट के बारे में, तो इसमें आपको मिल जाता है 10th जनरेशन का इंटेल कोर i5, उसके अलावा NVIDIA का GeForce MX350, उसके अलावा 512 GB का SATA SSD स्टोरेज, 8 GB की DDR4 रैम, और साथ में मी वेबकैम इसमें भी आपको HD बंडल मिल जाता है, इसकी कॉस्ट होने वाली है 54,999 की। दोस्तों बात करते हैं अगले वेरिएंट के बारे में, ये जो वेरिएंट है ये फ्लैगशिप वेरिएंट, इसके अंदर आपको मिल जाता है इंटेल का 10th जनरेशन i7 प्रोसेसर, उसके अलावा GPU NVIDIA GeForce का MX350, साथ में 512 GB का आपको उसमें स्टोरेज मिल जाता है, PCI Express Gen 3 NVMe SSD, उसके अलावा इसमें आपको 8 GB की DDR4 रैम मिल जाती है, और MI का वेबकैम इसमें मिल जाता है, और इसकी जो कॉस्ट होने वाली है वो है 59,999। तो ये थे सारे प्राइसिंग्स, ये थे सारे स्पेसिफिकेशन जो भी आज के इवेंट में बताए गए हैं। तो सर बात करते हैं सबसे बड़े क्वेश्चन की कि इसकी अवेलेबिलिटी क्या होने वाली है। तो इसकी जो अवेलेबिलिटी है वो नेक्स्ट वीक से होने वाली है, आपको सबसे पहले मिलेगा मी की ऑफिशियल वेबसाइट पे, अमेजोन से आप इसको ऑर्डर कर सकते हैं, उसके साथ मी के सारे स्टोर्स पे भी आपको मिल जाएगा। जैसे जैसे टाइम बीतेगा तो जल्दी से जल्दी आपको बाकी सारी शॉप्स पे देखने को मिलेगा, पर सबसे पहले अमेजोन, मी की वेबसाइट और मी स्टोर्स पे आपको अवेलेबल होगा। 17 जून से इसकी जो सेलिंग स्टार्ट हो जाएगी, तो आप इसको इजीली खरीद सकते हैं, और एक स्पेशल बोनस भी दिया है मी ने, अगर आपके पास HDFC बैंक का क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड है तो आपको उस पर 2,000 रुपीज़ का डिस्काउंट भी मिल जाएगा, और कुछ हद तक आपको इसमें कैशबैक इंस्टेंट मिल जाएगा। तो दोस्तों ये था टोटल स्पेसिफिकेशन, अवेलेबिलिटी, प्राइसिंग, और जो भी आपको इसके अंदर मिलने वाला है, हमने कोशिश की है ज़्यादा से ज़्यादा को कवर करने की, अगर फिर भी कुछ छूट गया हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिएगा, और साथ में इसका कौन सा फीचर आपको सबसे ज़्यादा पसंद आया है कमेंट सेक्शन में लिख के शेयर कीजिएगा, ताकि हम सब भी जान पाएँ आपके सबसे पसंदीदा फीचर।
तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया है। अगर वीडियो पसंद आया है तो उसको लाइक शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा आगे भी अपकमिंग नोटिफिकेशन पाने के लिए। अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं तो फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर जाकर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। मेरी वेबसाइट की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से भी जाकर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो के लिए इतना ही, कोई भी क्वारी हो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, मैं जल्दी से जल्दी उसकी रिप्लाई करूँगा। दोस्तों तो आज के लिए इतना ही, मेरा नाम है पुनीत शर्मा, आप देखते रहिए विंग्स टुवर्ड्स टेक्नोलॉजी, स्टे अपडेटेड फ्रॉम टेक।